ये देखिए पूरा टंकी एम्प्टी है। ठीक है, हमें देख फील हो रहा है पेट्रोल चलेगा अंदर फुल हो रही है। टाकी पूर्ण नक्क एम्प्टी झाली होती, जास्त तंतंत पण नका करू। पावर आहे पावर काय कारट आहे? हां कारट आहे, झालं का? हे देखिए 46 लिटर भरी आहे, 65 लिटर की टाकी आहे, दिखा रहा है 0 रेंज की है गाड़ी, और अभी दिखा रहा है रेंज 740। ओके, इधर देखो कंजम्पशन 0 किलोमीटर, अभी जस्ट फ्यूल की है गाड़ी, सिंस रिफ्यूल। इसको करता हूँ मैं रिसेट, जीरो किया ट्रिप, और कल आप हम निकलेंगे घूमने के लिए बाहर, लॉन्ग ड्राइव के लिए। सो टैंक टू टैंक कितना फ्यूल होता है, कितना एवरेज निकलता है देखते हैं अभी एक्चुअल में, आफ्टर 1 ईयर 15,500 किलोमीटर के बाद। अभी घर पहुंच के आपको बताता हूँ कितना कंज्यूम हो गया और कितना किलोमीटर है घर से पेट्रोल पंप। एक्चुअली मैं इस गाड़ी में, आपको पता होगा क्या, हर वीडियो में स्टार्टिंग में बताया था मैंने, इसमें मैं XP95 जो इंडियन ऑयल का पेट्रोल है वही डालता हूँ हमेशा, दूसरा कौन सा नहीं डालता। पहले स्टार्टिंग में सेल डालता था, अभी XP95 डाल रहा हूँ एज पर रिकमेंडेड बाय स्कोडा फोक्सवैगन ग्रुप। इसको 95-10 का ही पेट्रोल चाहिए फॉर बेटर परफॉर्मेंस, एवरेज अच्छा, और कोई भी प्रॉब्लम ना आए इसलिए इंजन में और इन फ्यूचर। तो मैं आपको भी रिकमेंड करूँगा कि आप जो रिकमेंडेड पेट्रोल पेट्रोल का ऑक्टेन है वही आप यूज़ करें। चलो घर जाके मिलते हैं, बाय बाय। ये देखो गाड़ी धो के अच्छे से वॉश करके लेके आए हूँ, तो सिंस रिफ्यूल करके गाड़ी 8 किलोमीटर चली है, ये देखो। ओके, अभी 730 रीडिंग दिखा रहा है। अब जस्ट मैंने इधर जो पिछले वीडियो में दिखाया था, तो कल सुबह मैं निकलने वाला हूँ घर से। सो अभी ट्रिप 0 किया है मैंने जस्ट, सो इस ट्रिप 0 से कितना किलोमीटर होता है वो अभी चेक करेंगे हम, कितना एवरेज निकलता है क्या निकलता है। चलो मिलते हैं सुबह कल। गुड मॉर्निंग, चलो निकल रहे अभी, कहाँ पे बताएंगे देख लो। पापा के जीतते मुझे गाड़ी चलानी है, अभी वही चला रहे गाड़ी। देख सकते हैं ट्रिप 0 है, अभी 730 दिखा रहा है रेंज, और यहाँ पे जब से फ्यूल फिल किया है 8 किलोमीटर। ओके चलो लेट्स गो। कहाँ जा रहे? जा रहे हम कोल्हापुर को, पूरी 500-550 किलोमीटर की ड्राइव है।
7:30 बजे अभी। देख लो हमारे धैर्य, देख लो पुणे की। अभी जैसे कंजम्पशन बढ़ गया, मतलब एवरेज इंक्रीज हो गया, 18 दिखा रहा है, 35 किलोमीटर हो गया अभी, और अभी 740 दिखा रहा है किलोमीटर टोटल रेंज गाड़ी की, 730 था वो 740 हो गए हैं अभी। कंटिन्यूस 70-80 की स्पीड है और RPM रहेगा 2000 के आसपास, बीच में 2000 के कम। 18.1 का एवरेज दिखा रहा है अभी। किलोमीटर हो गया अभी और जैसे एवरेज बढ़ गया 90.7 हो गया, तो इधर रेंज भी बढ़ गया, 750 दिखा रहे अभी। कंटिन्यूस 70-80 पे चल रही है गाड़ी और 1800-1400 का RPM पे चल रही है। ये देखो बहुत बड़ा घाट है अभी, कंटिन्यूस वही चल रहा है। ए ड्राइव मिक्स रहने वाली है, घाट भी रहेगा, हाईवे भी रहेगा और सिटी ट्रैफिक भी रहेगा। एक्चुअली कैसा है कि ये एवरेज जो नॉर्म जिसके पास गाड़ी रहती है वो हमेशा ऐसा नहीं चलाता कि आज मुझे एवरेज निकलना, ऐसा नहीं होता, जनरलाइज चलाता है गाड़ी उस हिसाब से कितना एवरेज आया है। देखो बीच में बहुत बड़ी गाड़ी है, सो जनरलाइज में जैसा एवरेज निकलेगा उसी हिसाब से एवरेज एक्चुअल रहता है। चाय पानी ब्रेक के लिए रुके, थोड़ा नाश्ता करेंगे। विट्ठल कामत खाके निकले है, देखो 112 किलोमीटर हो गए, 19.9 का एवरेज है, 720 का रेंज दिखा रहा है अभी, बीच में रुके थे ना इसलिए। 124 किलोमीटर हो गया अभी, 124, और अभी एवरेज दिखा रहा है 20.2 का, 710 का रेंज दिखा रहा है अभी। इधर एवरेज स्पीड तो 55 है बट 70-80 चल रही है तो नॉर्मल गाड़ी, देखो अभी 80 का भी इंडिकेटर आ गया और कंटिन्यूस एसी है।
जब से गाड़ी फुल की है, रिफिल की है, तब से 135 किलोमीटर हो गए। आज सुबह की जर्नी से 127 किलोमीटर, सो 135 किलोमीटर में मुझे एवरेज मिल रहा है 17.9 का एज पर स्कोडा सॉफ्टवेयर। अच्छा है, मुझे इसमें थोड़ा प्रॉब्लम लग रहा है, पता नहीं अभी वो उसको कैलकुलेट करने में हर टाइम का रीडिंग लेना पड़ेगा कितना कितना है। ये देखो 184 किलोमीटर हो गया अभी घर से निकलते हैं, 3 घंटे से ऊपर। 20.9 का एवरेज दिखा रहा है और रेंज दिखा रहा है 700 किलोमीटर, स्पीड वही है 21.2 का एवरेज। 199 का ट्रिप दिखा रहा है, 200 कंप्लीट हो जाएंगे अभी, 200 कंप्लीट। आ गए दर्शन सब करके गाड़ी में। देखिए अभी सिंस रिफ्यूल करके तो 34 है अभी तक का, 660 किलोमीटर अभी दिखा रहा है रेंज। जस्ट गाड़ी स्टार्ट की है तो अभी 0 किलोमीटर दिखा रहा है, अभी तक का रीडिंग है 226 किलोमीटर घर से यहाँ तक महालक्ष्मी मंदिर तक। अभी देखेंगे आगे क्या है, पंप तक, फ्यूल पंप तक। ओके चलो, टेम्परेचर तो बाहर दिखा रहा है 35 डिग्री सेल्सियस देखो, और गाड़ी पूरी धूप में थी फिर भी 5 मिनट में कूल किया गाड़ी ने, 5 मिनट के अंदर। कौन कहता है कि स्कोडा के फॉक्सवैगन के एसी में प्रॉब्लम है, कुछ प्रॉब्लम नहीं अभी तक मुझे अपडेट आया है, मगर मैंने अपडेट नहीं किया है एसी का क्योंकि मुझे अभी तक प्रॉब्लम ही नहीं आया गाड़ी में। फिर भी मुझे मैसेज आया है कि आके अपडेट करो एसी का सॉफ्टवेयर, सो देखेंगे अभी आज में जाके। ये देखो बैक टू होम, देखो 70 का एवरेज दिखा रहा है, 55 किलोमीटर हो गए, 630 का रेंज दिखा रहा है अभी, 281 अभी तक हो गए। जब से फ्यूल भरा है 289 हो गया अभी ट्रिप, 18.5 का कंजम्पशन। गाड़ी रिफ्यूल से अभी 420 किलोमीटर हो गए और कंजम्पशन दिखा रहा है 18.7। देखो 510 का रेंज है, आ गए घर पे। टोटल 458 किलोमीटर हो गए, ये ना आप लेगा। जब घर से निकले तो 450 था, मतलब 0 करके और 8 किलोमीटर पंप तक 480 दिखा रहा है रेंज और कंजम्पशन 18.5। अभी सुबह जाएंगे कल जब पेट्रोल भरने रिफिल करने, तब एक्चुअल रीडिंग आ जाएगा टैंक टू टैंक। चलो कल मिलेंगे, बाय बाय। ये देखिए अभी जस्ट गाड़ी स्टार्ट की है और इधर दिखा रहा है 450.7 का ट्रिप, टोटल 458 हो गए कल और 18.5 के एवरेज दिखा रहा था जब से फ्यूल भरा है तब से, और रेंज है 470। अभी जाते हैं फ्यूल को रिफ्यूल करने। मॉर्निंग 7:48 हो गए, फिर भी अभी कितना ट्रैफिक है, काम चल रहा है ना इधर। आ गए पंप पे, देखते हैं कितना आता है।
स्टेट पेट्रोल पंप पे दौड़े जाते गए। पंचीस का होता है क्या? नहीं कार्ड है बस। ये देखो 25 लीटर फ्यूल भर गया टोटल। देखो 465 टोटल रेंज 350-465 की। देखेंगे अभी कितना है। टोटल किलोमीटर हो गया मेरा 465। ओके पंप से पंप तक, पेट्रोल पंप तक डिवाइडेड बाय 25 लीटर का भी पेट्रोल डाला है मैंने जस्ट अभी आपने देखा। ओके तो एवरेज रीडिंग आ रहा है 18.6। ये एवरेज निकला है 465 किलोमीटर में। इसमें मेरा घाट सेक्शन 3-4 किलोमीटर का वो इंक्लूडिंग है। आधा घंटे का मैंने एसी ऑन करके खाना खाया था गाड़ी में पूरा, वो भी इंक्लूडिंग है। एक जगह पे रुक के गाड़ी, उसके बाद ट्रैफिक इंक्लूडिंग है, हाईवे इंक्लूडिंग है, पूरा कंटिन्यू एसी था 21-20 डिग्री सेल्सियस पे। टोटल कंटिन्यूस जर्नी में एसी ऑन था। ये सब इंक्लूडिंग करके भी मुझे कंपनी क्लेम से भी ज़्यादा एवरेज मिला 18.6। ऊपर से जो स्कोडा के सॉफ्टवेयर दिख रहा है स्क्रीन पे एवरेज, वो सेम एक्यूरेट दिख रहा है। जो भी है 18.6 ही दिख रहा है। अभी आपने देखा 18.6 18.5 दिख रहा था। सो स्कोडा का सॉफ्टवेयर भी अच्छे से एक्यूरेटली डिटेक्ट करता है कितना एवरेज निकाला है गाड़ी ने, और ये टैंक टू टैंक भी वही है। सो नाइस स्कोडा फॉक्सवैगन ग्रुप। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब टू दी PNG कार गाइड। थैंक यू।